नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टॉक ब्रोकर। तो आज हम लोग एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए तैयार है। तो सारे डिटेल्स उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, जानेंगे उसके लेवल्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग हमारे डिस्प्ले पे शो है इंडिया बुल रियल एस्टेट कंपनी का नाम। तो अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है, जो रिसेंट अभी जो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई है, इसकी क्लोजिंग हुई है 97.35 पे। अब यहां से शेयर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर बड़ी आसानी से 150 और 160 क्रॉस करने के लिए रेडी हो रहा है। मतलब यहां से अगर यहां पे हम लोग बात करें रिटर्न की, तो ये ऑलमोस्ट 70% हमें रिटर्न देने के लिए रेडी हो रहा है। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि और भी अच्छे कंटेंट आपके साथ हम लोग शेयर कर पाए। बात करते हैं इसके पूरे प्राइस एक्शन की, और उसके बाद हम लोग आएंगे इसके टारगेट एंट्री और कहां से डिप मिले तो बाय करना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 12 मंथ के चार्ट के ऊपर अगर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या पाते हैं कि प्राइस एक टाइम ऐसा था कि प्राइस ने ना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था लगभग 840 के आसपास का, और वहां से प्राइस गिरते गिरते एक टाइम ऐसा भी आया जब शेयर ने लो लगा दिया 37 रुपए का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए तो एक ये अपना सप्लाई जोन बनता है ईयरली का, एक ये सप्लाई जोन इससे टेस्टेड है और फिर ये एक सप्लाई जोन इसने बनाया है। तो अगर यहाँ की फ्रेश सप्लाई जोन की अगर बात करते हैं, तो एक अच्छा खासा सप्लाई जोन अपने को दिखता है 220 के आसपास, और उससे नीचे हम लोग आएंगे तो 160 के आसपास दिखता है। आते हैं हम लोग एक बार 6 मंथ के चार्ट के ऊपर, यहाँ पे देखे तो कोई भी अच्छा सप्लाई जोन मुझे दिखता नहीं है, एटलीस्ट 150 160 यहाँ पे भी मुझे नजर आ रहा है। उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो 220 प्लस के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं मंथली चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग क्या पाएंगे, यहाँ पे भी प्रॉपर एक ब्रेकआउट टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। और जैसा कि आपने रियल एस्टेट कंपनीज में देखे हैं, जैसा कि आपने भी डीएलएफ में, ओपरा रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखा है कितना अच्छा खासा मूव आया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इन शेयर के अंदर है मूव थोड़े कम आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले दिनों के अंदर इस शेयर के अंदर बहुत बड़ी रैली आने वाली है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने लिए जो कि अभी ये अपने सस्ते रेट में हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले एक बार करते हैं इसके फाइनेंशियल क्या बोलते हैं। फाइनेंशियल की अगर बात करें तो ये कंपनी अभी लगभग 51.145 बिलियन की कंपनी है। यहाँ पे देखिए इसके डेब्ट के बारे में, तो इस कंपनी के ऊपर जो मतलब कर्जा है वो मतलब 2018 में चल रहा था लगभग 59 बिलियन का, फिर वो घट के हुआ 2019 में 27 बिलियन, फिर उसके बाद 12 बिलियन, फिर इन्होंने थोड़ा बढ़ाया 2021 के अंदर 13 बिलियन कर दिया, और 2022 की बात करें तो जो डेब्ट है वो सिर्फ रह गया है 2.68 बिलियन। मतलब ये कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है। बात करते हैं इसकी अर्निंग के बारे में, अगर यहाँ पे अर्निंग की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख पाएंगे कि जब 2016 से मतलब इसकी प्रॉफिट यहाँ पे आनी स्टार्ट हुई थी, इस समय इन्होंने थोड़े थोड़े ग्रोथ करना स्टार्ट किया था, और 2017 के अंदर इन्होंने एक अच्छा खासा मूव दिखाया, लगभग इनके प्रॉफिट में इजाफा हुआ था लगभग 500% का, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट नीचे गिरता गया गिरता गया। और ये अगर इसकी बात करें 2021 की, तो इनका प्रॉफिट जो है वो बहुत बड़े लॉस में कन्वर्ट हो गया था, -3200% के अंदर। और जो पिछला साल जो इन्होंने अपना अर्निंग डिक्लेयर किया था वो था लगभग 350 पॉइंट माइनस में। ठीक है, लेकिन ये सब देखते हुए और अभी अगर हम लोग बात करें शेयर प्राइस की, अगर इसको स्टॉप लॉस के साथ में बाय किया जाए और प्लस रियल्टी सेक्टर को देखा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मूव करने के लिए रेडी है। तो अभी इसके हम लोग एंट्री के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पे मिले तो बेस्ट बाइंग होगी, स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, और टारगेट की भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटा सा प्रमोशन आपके साथ मैं करना चाहूंगा कि गाइस, अगर आपको भी सीखना है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपको प्रॉपर एक मार्केट का स्ट्रक्चर जानना है, मार्केट की जो रेजिस्टेंस होते हैं, कहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है, कहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, कहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना ठीक होगा है, कहाँ पे ऑप्शन सेलिंग हमारे लिए बेटर होता है, इन सारे रिसर्च को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा अपकमिंग बैच जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है इसी जनवरी के अंदर 22 जनवरी से। तो जो भी आपको अगर इस क्लास के बारे में, जो भी आपको टॉपिक के बारे में या फिर जो भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपके अंदर, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे हम लोग व्हाट्सएप का हमने लिंक डाल दिया है, वहां से जैसे आप लिंक से ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि क्या कंटेंट पढ़ाने जाने हैं, क्या उसमें क्या फीस होने वाली है, क्या डिस्काउंट है। बाकी इसकी फीस की बात करूँ तो 7,000 का फीस है, बाकी जो भी डिटेल्स होंगे आपके साथ हमारी मेंबर शेयर कर देंगे।
बाकी किसी भी हेल्प के लिए आपको अगर हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी स्टडी रिसर्च चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे जो भी रिसर्च होती है आपके साथ शेयर की जाती है। अब बात करते हैं इसके लेवल्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग लेवल्स की बात करें तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या पाएंगे कि प्रॉपर एक ब्रेकआउट हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर CMP पे कुछ क्वांटिटी जरूर एड ऑन करना चाहिए, बाकी अगर कोई डिप मिले तो यहाँ पे एड ऑन कर लेना चाहिए 89 के आसपास। और एक बार आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, 89 के आसपास एड ऑन कर लेना चाहिए, और कुछ क्वांटिटी हमें एड ऑन करना चाहिए 82-85 के आसपास, जहां मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। ये वाला स्टॉप लॉस होगा, नहीं ये नहीं, इसको स्टॉप लॉस को हम लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो अपना स्टॉप लॉस होगा 70 के आसपास का, ठीक है। अगर 70 का स्टॉप लॉस होता है तो अपना रिस्क कितना बनता है उसको भी हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे। 70 का स्टॉप लॉस होगा, 70 का स्टॉप लॉस सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे होगा, वो भी वीकली के क्लोजिंग बेसिस पे होने वाला है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट पिक होंगे उनमें वीकली क्लोजिंग काफी मस्ट होता है, क्योंकि उससे पहले क्या है, एक बार डेली क्लोजिंग मिल जाएगी फिर प्राइस ऊपर चली जाएगी, वो सारे ट्रैपिंग होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे जो अपना रिस्क होने वाला है वो ऑलमोस्ट 17 से 18 रुपए का रिस्क होने वाला है इस शेयर के अंदर, ठीक है। कोई भी डिप मिले तो यहाँ पे एड ऑन करना है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे, मतलब यहाँ पे हम लोग 50% क्वांटिटी ऑन CMP, रेस्ट 30% नियर 88 एंड फाइनल 20% क्वांटिटी हमें बाय करना है यहाँ के आसपास, जो कि 82 का लेवल हो सकता है, मतलब 80 से 82 का लेवल हो सकता है। एंड आवर स्टॉप लॉस इज 70 ऑन वीकली क्लोजिंग। तो ये अपना होप ये आपके डाउट को क्लियर करेंगे, मतलब जो अपनी एंट्री पहली होने वाली है वो CMP पे हमें कुछ क्वांटिटी, मतलब 50% क्वांटिटी यहाँ पे एड ऑन कर लेना है, 30% क्वांटिटी के लिए वेट करना है अगर हमें कोई डिप मिले 88 के आसपास, और जो फाइनल 20% क्वांटिटी होने वाली है वो अगर हमें 80-82 के आसपास मिल जाए तो काफी बेस्ट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है 70 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे, और पहला जो टारगेट होने वाला है शॉर्ट टर्म के अंदर अपने को टारगेट मिलेगा 108 से लेकर 115 का पहला टारगेट होगा। एक बार ये हर्डल मार्केट की सपोर्ट से या किसी भी तरीके से इस शेयर को नीचे लेके आएगा, ये वाला जो हर्डल अपने को दिख रहा है ये शेयर नीचे लेके आएगा, और उसके बाद जैसे ये क्रॉस करेगा 115 117 को ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, अपने को सीधा टारगेट दिखेगा 143, उसके बाद 150 55 और उसके बाद लगभग 180 प्लस के टारगेट यहाँ पे आसानी से अपने को इंडिया बुल रियल एस्टेट के अंदर दिखेंगे, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IB रियल एस्टेट। तो गाइस ये शेयर अपने को रडार में रख के चलना है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट आपके साथ ला सके, और इसी तरीके से हमें मोटिवेशन मिले ताकि हम जितनी ज्यादा बेस्ट हो सके आपके लिए रिसर्च शेयर कर सके। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम अपना ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक एंड कीप वॉचिंग वीडियोस।